गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका टाइम एंड वर्क का टाइप 6 है। पहले टाइप 5 तक जो पढ़े थे वो सिंपल टाइम एंड वर्क था, और इसमें आपका क्या है, टाइम वर्क एंड वेजेज है, मतलब जो मजदूरी मिलता है काम करने के बदले, यही आपके इसमें पढ़ना। देखिए, पहले जानते हैं कि जो वेजेज मिलता है काम करने का, जो मजदूरी मिलता है वो हमेशा इफिशेंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? इफिशियंसी। ठीक है, वेजेस जब भी मिलेगा हमेशा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग कभी नहीं मिलेगा, हमेशा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब वेजेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? इफिशिएंसी का, टाइम के अकॉर्डिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। टू मैन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इट वुड हैव टेकन 30 डेज एंड 40 डेज। मतलब ए और बी का जो टाइम का रेशियो है, क्या चीज़ का? टाइम का क्या है? 30:40, ये टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेसिप्रोकल इफिशियंसी का रेशियो, 40:30 मीन्स 4/3। टोटल कितना मिल रहा है? 2100, मतलब 4 और 3 7, 7 का वैल्यू कितना हो गया? 2100, यही ना। एक का वैल्यू 300। पूछ रहा क्या बी का शेयर क्या होगा? बी का कितना था? 3। 3 का वैल्यू 900, कितना आ गया? 900। ए का वैल्यू 1200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज। दे टुक इतना रुपया मिला शेयर वो सबको, तो पूछ रहा है ए का शेयर कितना ज़्यादा है बी का शेयर से। ठीक, ए 20 डेज, बी 25 डेज, सी 30 डेज। इतना दिन काम किया, जो मजदूरी मिलेगा, जो शेयर मिलेगा, टाइम के रेशियो में कभी नहीं मिलेगा, हमेशा किसके रेशियो में मिलेगा? इफिशिएंसी के रेशियो में। सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क है कितना, वहाँ से इफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब कैल्शियम कितना हो जाएगा? 300। इसका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 15 वर्क पर डे। इसका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 12 वर्क पर डे। इसका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 10 वर्क पर डे हो जाएगा। 300/20 15, 300/25 12, 300/30 =10। अब देखिए, 15 + 12 + 10, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2220, मतलब 37 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2220। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या, शेयर ऑफ ए एक्सिस्ट डेट ऑफ बी, ए का शेयर कितना बड़ा है बी से, तो कितना ज़्यादा है? 3 का अंतर है। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? 3 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? 60 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 42, 4 18 आ जाएगा। तो पूछ रहा है 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180, मतलब ए का शेयर बी का शेयर से कितना ज़्यादा है? 180 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मैन अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 600। ठीक है, 600 में दो आदमी काम करने को ठीक लिया। वन अलोन कुड 6 डेज, एक पहला आदमी जो है 6 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 8 दिन में करता है। विथ द असिस्टेंस ऑफ बॉय दे फिनिश इट इन 3 डेज। एक बच्चा जब कोई लड़का हेल्प करता है काम करने में, तो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या बॉयज का शेयर क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। अगर तीनों मिलके काम किया तो 3 दिन में कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन और प्लस बॉयज। ठीक है, प्लस बॉय। पहला आदमी कितना दिन लेता है? 6 दिन, दूसरा आदमी 8 दिन, तीनों मिलके किया तो 3 दिन। ये टाइम का रेशियो है, तो हमें क्या निकालना होगा? इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे?
टोटल वर्क है कितना कितना जगह यहाँ से 24 एलसीएम 24। फर्स्ट पहला का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 वर्क पर डे। दूसरा का एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे। ये तीनों का एफिशिएंसी 8 वर्क पर डे। अब देखिए यहाँ से पहला का एफिशिएंसी कितना था 4, दूसरा का एफिशिएंसी कितना है 3, तो बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल कितना एफिशिएंसी है 8, तो बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, बॉय का एफिशिएंसी आ गया 1, ठीक है। और टोटल पैसा काम करने का कितना मिला था 600, तो पूछ रहा बॉयज का शेयर क्या होगा। तो देखिए 4 प्लस 3 प्लस 1 इतना एफिशिएंसी से किया तो पैसा कितना मिला 600, मतलब 8 का वैल्यू है आपका 600। तो पूछ रहा 1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बॉयज का एफिशिएंसी क्या है 1, एफिशिएंसी के रेशियो में क्या मिलेगा पैसा मिलेगा, कितना जाएगा 8 से 56 और 5, बॉयज का शेयर कितना हो जाएगा 25 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्कर्स अर्नड 225, दो वर्कर जो है 225 कमाया। फर्स्ट वर्कर फॉर 10 डेज 10 दिन काम किया, सेकेंड वर्कर 9 दिन काम किया। हाउ मच ईच ऑफ देम गेट डेली इफ, पूछ रहा है कि आप प्रत्येक वर्कर को कितना मिलेगा, ठीक है। कब, पहला वर्कर का जो मजदूरी है 15 रुपये ज़्यादा है, कब, जब वो 5 दिन काम करता है, किससे, 3 दिन काम किया सेकेंड वर्कर उससे, ठीक है। मतलब पहला वर्कर 5 दिन में जितना रुपया कमाया वो 15 रुपया ज़्यादा है, किससे, सेकेंड वर्कर जो 3 दिन में रुपया कमाया। तो मान लेते हैं फर्स्ट वर्कर एक दिन में 1 रुपया कमाया, 1, ठीक है। और सेकेंड वर्कर जो है एक दिन में मान लिए 22 रुपया कमाया, कितना 22। 5 दिन तक पहला वर्कर काम किया, कितना टोटल कमाएगा 5x। 3 दिन तक सेकेंड वर्कर काम किया, कितना कमाएगा 3y। पहला वर्कर 15 मोर ज़्यादा, 15 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, मतलब दोनों अंत का अंतर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। और देखिए दोनों वर्कर 225 अर्न कर रहा है, कब, जब पहला वर्कर 10 दिन काम किया, 10 दिन काम करने का कितना हो जाएगा 10x। दूसरा वर्कर 9 दिन काम किया, कितना हो जाएगा 10y, कितना कमाया टोटल 225। अब यहाँ से इसे सोल्व करना है, दो वेरिएबल का इक्वेशन मिल गया। देखिएगा सबसे पहले एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ गया 10x-6y=30, 10x+9y=225 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 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 कट गया, -15y=195 आ गया 195, तो y=13 आ गया 13, मतलब सेकेंड वर्कर का रुपया कितना हुआ 13 रुपीज। तो पहला वर्कर का क्या होगा, वैल्यू हम पुट करते हैं, तो सबसे छोटा इक्वेशन तो यही था, तो क्या हो जाएगा 5x-13 39, यह कितना 15 था। देखिएगा 5x-39 = कितना है 15, तो 5x = कितना हो जाएगा 4 5, x = कितना हो जाएगा 10.8। मतलब फर्स्ट वर्कर का जो एक दिन का किराया मिलेगा कितना मिलेगा 10 रुपया 80 पैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू बिल्ड अ वर्क वॉल इन 50 डेज, ठीक है। ठेकेदार जो है 50 दिन में एक दीवार काम करने का ठेका लिया। ही एम्प्लॉयज 50 पीपल फॉर द सेम,
However, after 25 days, he find that 40% of the work is complete. 50 आदमी को काम करने में लगाया और 25 दिन के बाद क्या देखा कि 40% ही काम कंप्लीट हुआ है. हाउ मैनी मोर मैन नीडेड टू एम्प्लॉयड, कितना और ज़्यादा एम्प्लॉयड चाहिए कि काम जो है वो 50 दिन में ही कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तब देखिए पहले तो देखिए कि 25 दिन में आखिर काम हुआ कितना. ठीक है, तो 40% काम हुआ तो मान लेते हैं एक पीपल का जो एफिशिएंसी है एक मान लिया, कितना एक. ठीक है, 50 आदमी काम करना शुरू किया तो 50 आदमी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 50 हो जाएगा. तो ये हो गया क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना है 25, टोटल वर्क यही ना. अब ये टोटल वर्क जो है पूरा वर्क का 40% शो कर रहा है, कितना परसेंट, 40%. मतलब ये जो वर्क है वो किसके बराबर है, 40% के बराबर है. अभी काम करना है कितना, 60% आओ करना है. 100% में 40% काम हुआ तो कितना परसेंट आओ काम करना होगा, 60%. तब देखिए तो 60% करने के लिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 × 1 × 25 upon 40. तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 × 1 × 25 upon 40 × 60 हो जाएगा. 60% का इतना आ गया वैल्यू. मतलब अब जो काम करना है हमें इतना काम करना है. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब 25 25 125, 125 0/4. इतना वर्क और काम करना है किसके द्वारा किया जाएगा, 50 आदमी काम कर रहा था, 50 आदमी के द्वारा इफिशियंसी एक का इंटू कितना, सॉरी क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर मैन नीडेड, और कितना आदमी चाहिए. तब देखिएगा काम जो है समय पे कंप्लीट होना चाहिए. टोटल काम कितना समय पे हो रहा था कंप्लीट, 50 डेज में. 25 दिन तो काम हो चुका, कितना दिन और बच गया, 25 दिन, कितना 25 दिन बच गया. ठीक है, ये तो नंबर ऑफ डेज आ गया, नंबर ऑफ डेज इनटू इफिशियंसी. तो मान लेते इफिशियंसी एक्स था, इफिशियंसी मान लिए एक्स है. ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं इसे 25 से 50 बार में, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 upon 4. तो पूछ रहा है क्या, कितना मैन चाहिए ना. देखिए यहाँ पे इंटू 6 भी था ना, इंटू 6 इंटू 6 किसे कट करते हैं, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, कितना आ गया, 75. मतलब हमें इतना काम करने के लिए 75 आदमी चाहिए. पहले से तो 50 आदमी काम कर ही रहा था, अब कितना आदमी और चाहिए, 25 आदमी. ठीक है, आंसर कितना जाएगा, 25. इसे आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, देखिएगा सबसे शॉर्ट मेथड. देखिए काम कितना हुआ, 40. फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते पढ़े होंगे, M1 × D1 × H1 upon W1 इक्वल टू M2 × D2 × H2 upon W2 यही ना. 40% काम हो चुका. ठीक है, तो 40% काम हो गया तो 40 upon 100, मतलब इसे कट करते हैं तो 20 से 2 बार, 20 से 5 टाइम्स, मतलब 5 में 2 काम हो गया. तब तो रिमेनिंग वर्क बच गया कितना करने के लिए, 3 वर्क. 5 में 2 काम हो गया, बच गया काम कितना करने के लिए, 3 काम और करना था. ये M1 पहले से कितना आदमी था काम कर रहा है, 50 आदमी. तो 50 कितना दिन तक काम किया, 25 दिन तक, गुने 25. आवर के लिए नहीं दिया हुआ है तो इसे छोड़ देते हैं, अपॉन. कितना
काम किया? दो काम कर लिया। इक्वल टू पूछ रहा, हाउ मेनी मोर मैन नीडेड, और कितना आदमी चाहिए? तो मान लेते कि एक आदमी और काम करेगा, या तो फिर आप इसे यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, 50 + 1 आदमी और चाहिए। कितना दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए? 50 दिन था ना टोटल, 25 दिन तो काम हो चुका, 25 दिन में और काम हो जाना चाहिए। टोटल था कितना काम? 3 काम और करने के लिए है। 2 से 25 बार, 25 से 25 कैंसिल, कितना गया? 75 = 50 + 6, 1 = 25, मतलब 25 आदमी और चाहिए काम करने के लिए। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 men and 4 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, मतलब 4 आदमी और सॉरी 8 आदमी 4 औरत मिलकर 6 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है। द वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाय अ वोमेन। देखो यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है कि जो मैन का इफिशियंसी है वोमेन का अपेक्षा क्या डबल है, इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। अब निकाल लीजिए कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना, तो 8 आदमी 4 औरत मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, 8 × 2 + 4 × 1 हो जाएगा 6 × 20, टोटल काम है 120 वर्क। ठीक है, इफ 8 men and 4 women स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 2 days 4 men लेफ्ट, मतलब 2 दिन तक 8 आदमी 4 औरत काम किया है, तो देखिए 2 दिन में काम हुआ कितना कंप्लीट, तो 2 × 8 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी 2, 4 औरत, औरत की एफिशिएंसी 1, कितना हो गया 16 × 24, मतलब 40, 40 वर्क कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क आगे 80, 80 काम और करना है। आफ्टर 2 days 2 दिन तक काम किया था, 4 men लेफ्ट, 4 आदमी छोड़ दिया, अब बच गया कितना आदमी, 4 आदमी और बच गया। एंड 4 new women ज्वाइंड, 4 औरत और जुट गया, पहले से कितना औरत था, 4 औरत थी, 4 औरत और जुट गई, मतलब 8 औरत अब हो गई। 4 आदमी 8 औरत मिलके 80 काम कितना दिन में कंप्लीट करेगी, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क 80, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मैन का इफिशियंसी 2, वोमैन का इफिशियंसी 1, तो 4 × 8 और 8 = 16, 16 × 5 = 80, मतलब 5 दिन में और काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coal loading machine each working 12 hours per day for 8 days handle 900 ton कोल विथ एन इफिशियंसी ऑफ 90%। मतलब जो कोल लोडिंग मशीन का जो इफिशियंसी है उसका 90% ही यूज करता है, ठीक है, तो 12 घंटा पर डे काम करता है, 8 दिन तक काम किया, तो 9000 टन कोल क्या किया, हैंडल किया। पूछ रहा है क्या, अगर 3 other coal loading machine, 3 दूसरा coal loading machine जो है वो 80% ही इफिशियंसी से काम कर रहा है, ठीक है, तो 12000 टन कोल को हैंडल 6 डेज में करेगा, तो पूछ रहा है कितना घंटा काम करना पड़ेगा उसे, यही ना। तब देखिए क्या करते हैं, इसे सबसे पहले तो क्या होगा, टोटल वर्क, पहले तो वर्क था कितना, तो 8 दिन काम किया, प्रत्येक दिन 12 घंटा काम किया, ये तो टोटल टाइम हो गया, इनटू इफिशियंसी, इफिशियंसी 2 coal loading machine का है, तो 2 × 6 कर दिए, 1 coal loading machine का 80 मान लिया इफिशियंसी था, ठीक है, लेकिन इफिशियंसी का 90% ही यूज करता है, यही ना। तब टोटल जो है कितना कोल हैंडल किया, 9
यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा, सी का एफिशिएंसी मतलब कोल लोडिंग मशीन का एफिशिएंसी क्या होगा, 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सी का वैल्यू आ गया 100 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 12 इंटू 2, ये कोल लोडिंग मशीन का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, थ्री कोल लोडिंग मशीन है, अब थ्री कोल लोडिंग मशीन सी का वैल्यू कितना है 100 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 12 इंटू 2, इफिशेंसी हो गया तीन गो का, ठीक है, एट एन इफिशेंसी ऑफ 80%, लेकिन इफिशेंसी का 80% ही यूज कर रहा है, 80/100 टोटल इफिशेंसी ये हो गया, इनटू कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, कितना आवर काम किया वो निकालना है, एच मान लिया, ठीक है। अब इतना काम करने में उसे 12,000 टन कोल जो है हैंडल करना है, कितना 12,000, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है एज का वैल्यू क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल, 8 से 10 बार 000 कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, एच इक्वल टू कितना आ गया 16 आवर्स, मतलब 16 घंटा काम करेगा तो 12,000 टन कोल 6 दिन में हैंडल करेगा 80 के एफिशिएंसी से, कितना कोल लोडिंग मशीन, 3 कोल लोडिंग मशीन। ये तो आपका पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड से सीख लीजिए, देखिएगा क्या है, दो कोल लोडिंग मशीन था तो 2 × 3 इफिशियंसी, इफिशियंसी का 90% यूज किया तो 90/100, कितना दिन काम किया, 8 दिन काम किया, कितना घंटा काम किया, 12 घंटा काम किया, टोटल वर्क कितना हो गया, 9,000 वर्क हुआ, इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, M1 × D1 इंटू H1 यही ना, अपॉन W1 इक्वल टू M2 × D2 इंटू H2 अपॉन W2 यही होता था। अगला क्या है, 3 कोल लोडिंग मशीन है, कितना की एफिशिएंसी से काम किया, 80 की एफिशिएंसी से काम किया, इंटू कई दिन काम किया, 6 दिन काम किया, कितना घंटा कर रहा है ये निकालना है, तो मान ली H, कितना काम करना है 1200, 12,000, ठीक है। यहाँ से एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 000 कैंसिल, 100 100 कैंसिल, 00 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, सी सी कैंसिल हो गया, 3 4 जो 12। अब देखिए कितना आ गया, और कट रहा है 2 से 3 बार, मतलब एच इक्वल टू आ गया 8 × 4 × 4 अपॉन इंटू 9 भी है, 3 × 8 × 3 क्या आ जाएगा, 8 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जो 9, 9 8 कैंसिल, मतलब आ गया 16 आवर्स। इस तरह से बना सकते हैं आप, देखिए होता क्या है, यहाँ पे M1 निकालते हैं जो वो एफिशिएंसी बताता है, क्या एफिशिएंसी, और D1 × H1 किए हैं वो टोटल टाइम हो गया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, यही वर्क लिखते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क आ गया, यही वर्क लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉस्टल हैज प्रोविजन फॉर 250 स्टूडेंट्स फॉर 35 डेज, ठीक है, मतलब हॉस्टल में जो खाने के लिए व्यवस्था था वो 250 स्टूडेंट जो है 35 दिन में खाना कंप्लीट करता, तो टोटल फूड कितना था ये निकाल लेते हैं, प्रोविजन कितना था, 250 × 35 हो जाएगा,
नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, प्रत्येक स्टूडेंट का इफिशियंसी 1 मान लिए तो 250 स्टूडेंट का इफिशियंसी 250 टोटल वर्क आ गया, मतलब टोटल फूड आ गया। ठीक है, अब इतना काम करने के लिए, इतना भोजन करने के लिए आफ्टर 5 डेज अ फ्रेश बैच ऑफ 25 स्टूडेंट्स वॉज एडमिटेड टू द हॉस्टल। पहले तो आपका 250 स्टूडेंट जो है वो 5 दिन तक काम किया, उसके बाद 5 दिन के बाद 25 स्टूडेंट और आ गया, मतलब अब 250 प्लस 25, 25 स्टूडेंट आ गया। ठीक है, अगेन आफ्टर 10 डेज अ बैच ऑफ 25 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। ये जो है 10 दिन तक रहता है, उसके बाद 25 स्टूडेंट और छोड़ के चला गया, तो फिर से कितना बच गया, 250 बच गया। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन सर्वाइव, अब जो बच गया वो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो मान लिया कि 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यह है ना। ये टोटल वर्क आ गया, 5 दिन में कितना हुआ ये निकालिए, 10 दिन में कितना हुआ ये निकालिए, अब जो बच गया तो 1 दिन में कितना हुआ ये निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल जोड़ इसका बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए 250 इंटू 35 इक्वल टू, यहाँ से हम 250 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 5 प्लस 10 प्लस x प्लस 250 गुने 10 रह जाएगा, सॉरी 25 इंटू 10 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ से 250 गुने 35 इक्वल टू, अब 250 और कॉमन लिए कितना हो जाएगा, 10 5 15 1 16 प्लस एक्स, 250 250 कैंसिल, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 19, कितना आ जाएगा 19, मतलब 19 दिन और खाना चलेगा, उसके बाद खाना क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप ये क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते थे, देखिए कितना स्टूडेंट था, 250, 250 तो 5 दिन का पहले खाना किया, खाना खाया, फिर उसके पास उसके बाद 25 स्टूडेंट और जुट गया, मतलब 250 स्टूडेंट और रह गया था। ठीक है, उसके बाद 25 था, 250 तो है ही, फिर 25 स्टूडेंट चला गया तो फिर से 250 ही बच गया। ठीक है, मतलब पहले से 250 इंटू 35 इतना खाना था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 35 25 25 175 ये 70, कितना आ गया 875, 8750 पहले से भोजन था। ठीक है, अब जो है 25 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गया था ना खाना खाने के लिए, जो 10 दिन तक खाना खाया था, जो फ्रेश बैच आया था वो 10 दिन तक खाना खाया, इसी कारण है खाना घटा होगा, ऐसे नहीं आता तो कितना दिन चलता, 35 दिन, ये आ गया तो कुछ दिन कम चलेगा, तो ये खाना कितना खाया 250 खाना खा गया, तो बच गया कितना 8500 अभी बच गया। अब ये 8500 कितना स्टूडेंट मिलकर खाएगा, 250 स्टूडेंट मिलकर अपॉन 250 कैंसिल, 25 दिया 7500, मतलब खाना कितना दिन अब चलेगा 34 दिन, पहले से चलता कितना दिन 35 दिन, अब चलेगा 34 दिन, 34 दिन में 5 दिन तो पहले खाया ही, उसके बाद भी 10 दिन खाया, 15 दिन तो खा चुका, तो बच गया कितना दिन 19 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मैन कैन बिल्ड अ बॉल इन 20 मीटर हाई इन 15 डेज। ठीक है, 40 आदमी जो है 15 दिन में 20 मीटर ऊंचा दीवार खड़ा करता है, तो पूछ रहा है क्या कितना आदमी 6 दिन में 25 मीटर दीवार ऊंचा खड़ा करेगा, यही ना। क्या होता है, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू W2 अपॉन W2। M1 40 आदमी 15 दिन, काम कितना किया 20 मीटर का, M2
निकालना है 6 दिन, काम कितना करना है 25। 5 से 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 4 से 10 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 2 से 5 बार। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5 5 25 सर 125। 125 मैन और चाहिए, सॉरी 125 आदमी जो है 6 दिन में 25 मीटर दीवार खड़ा कर देगा। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं, एक आदमी का एफिशिएंसी हम मान लिए एक था, कितना एक, तो 40 आदमियों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 40 गुना 1 एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज कितना है 15, टोटल वर्क, ये था वर्क कितना किसके बराबर शो कर रहा है 20 मीटर के बराबर। तो वर्क को हमको मीटर के बराबर शो करवाना है, तो मान लेते हैं कोई कॉन्स्टेंट से वैल्यू पुट किए हैं के से, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट मान लेंगे के। अगला क्या कह रहा है, कितना आदमी इफिशेंसी एक का रहेगा 6 दिन में कंप्लीट करेगा, कितना मीटर दीवार खड़ा करना था 25 मीटर, कॉन्स्टेंट का वैल्यू सेम रहेगा इंटू के की है। अब यहाँ से के का वैल्यू दोनों का इक्वल कर देते हैं, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 अपॉन 40 इंटू 15। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 अपॉन x इंटू 6। अब यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 25 इंटू 15/3, 3 से 5 इक्वल टू 125। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर लॉन्ग रोड कैन बी डग बाई 18 मैन इन 20 डेज, ठीक है, 18 आदमी 20 दिन में 12 मीटर लंबा रोड डग करता है, खोदता है, तो पूछ रहा है क्या कितना मीटर लंबा रोड 12 आदमी 15 दिन में करेगा। सिंपल फॉर्मूला में बैठा दो, m1 d1 अपॉन w1, m2 d2 अपॉन w2। m1 का वैल्यू क्या है 18 आदमी, d1 20 डेज, काम किया 12 मीटर का, m2 क्या है 12 दिन 15, कितना लंबा करेगा काम, यही ना, तो इसे आप कट करते हैं 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, 6 से 2 बार, 5 से 3 बार। एक्स इक्वल टू 6 मीटर, कितना लंबा रोड बनाएगा 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की टाइप्स 150 वर्ड इन 4 मिनट, ठीक है, निक्की जो है वो 150 वर्ड जो है वो 4 मिनट में टाइप करती है, और निशु जो है वो 150 वर्ड 5 मिनट में टाइप करती है, तो पूछ रहा क्या है 375 वर्ड दोनों साथ मिलकर टाइप करेगी तब कितना समय लगेगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या कीजिए, हमेशा पहले दोनों का टाइम को सेम कर दीजिए। टाइम को सेम करने के लिए हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें 4 से, इसमें 5, तो इसमें 4, तो 15 5 कितना हो गया 75, मतलब निकी जो है 750 वर्ड 20 मिनट में टाइप करेगी, और निशु जो है 600 वर्ड 20 मिनट में टाइप करेगी। अब ये बताइए दोनों मिलकर 20 मिनट में, दोनों मिलकर तो 20 मिनट में, ठीक, यानी कि 20 प्लस 20 40 मिनट कर दीजिएगा, 20 मिनट में कितना हो जाएगा, कितना टाइप कर लेगा, कर लेगी 1350। 20 मिनट में दोनों मिलकर, तो दोनों साथ में, मतलब निक्की भी 20 मिनट काम करेगी, निशु भी 20 मिनट काम करेगी, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्ड कितना टाइप होगा 1350। तो पूछ रहा है क्या 375 वर्ड टाइप करने में कितना समय लगेगा, एक वर्ड टाइप करने में 20/1350, तो 375 वर्ड टाइप करने में इंटू 375 हो जाएगा। अब इसे कट करते हैं, 0 0 कैंसिल, कितना से कट होगा ये 5,
5 से 5 35 5, ये आ जाएगा 3 से 9, 3 से 25, मतलब 50/9 मिनट में क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा कि 375 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन ए प्रोड्यूस बोल्ट एट द यूनिफॉर्म रेट 120 एवरी 40 सेकेंड, ठीक है। ए मशीन जो है 120 बोल्ट बनाता है कितना सेकेंड में, 40 सेकेंड में। ये बोल्ट है, ये टाइम है सेकेंड में। बी मशीन जो है वो 100 वोल्ट बनाता है कितना सेकेंड में, 20 सेकेंड में। क्या बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, पहले टाइम को इक्वल करना है। पूछ रहा है क्या, दोनों साथ मिलकर काम करेगा 200 वोल्ट कितना समय में बनाएगा। टाइम को पहले इक्वल करते हैं, इंटू टू इंटू टू, तो साथ मिलकर करेगा तो 120 प्लस 200 कितना आ गया, 320। 320 वोल्ट 40 सेकंड में क्या होगा, बनाएगा दोनों साथ मिलकर, ए प्लस बी मिलकर, यही ना। पूछा क्या, 200 वोल्ट, 1 वोल्ट बनाने के लिए कितना सेकंड, 40/200 320, तो 200 वोल्ट बनाने में 40/320 × 200 हो जाएगा 0.04 से 8 टाइम्स 8 2 5, मतलब 25 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 डेज, साथ मिलकर काम करता है 10 दिन में। हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर द फर्स्ट 3 डेज, सी लेकिन पहला 3 दिन ही काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी ए था, बी का एफिशिएंसी बी है, और सी का एफिशिएंसी सी है, ठीक है, एफिशिएंसी मान ली है। व्हेन 37/100 ऑफ द जॉब वाज डन, सी जो है 3 दिन तक काम करता है तब 37/100 काम हो चुका। टोटल वर्क मान ली है, टोटल वर्क 100 था जिसमें से 37 काम 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, कौन कौन मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, कितना दिन में, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया, 37 काम, ठीक है। आल्सो द वर्क डन बाय ए इन 5 डेज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 4 डेज, मतलब 5 दिन में जितना ए काम करता है उतना ही काम 4 दिन में बी कंप्लीट करता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा ए और बी का, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी 5 है, 3 × a का एफिशिएंसी 4 बी का एफिशिएंसी 5 प्लस सी इक्वल टू 37 काम होगा, कितना आ जाएगा 9 9 3 27 प्लस 3 सी इक्वल टू 37, सी इक्वल टू कितना आ गया 10/3, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 10/3। तो पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क, मतलब जो ज़्यादा तेज में काम कर रहा है तो उसके द्वारा कितना समय लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, ठीक है। तब देखिए ए के द्वारा पहले बताइए कितना समय लगेगा, ए का एफिशिएंसी 4 है, टोटल काम करना है 100, कितना लगेगा उसके द्वारा 25 दिन हो जाएगा 100/4 25। बी के द्वारा क्या हो जाएगा 100/5 20 डेज, सी के द्वारा क्या हो जाएगा 100/10/3 मतलब 30 डेज, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 डेज। हाउ मेनी डेज वुड द रिक्वायर्ड द वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर वर्क, बी जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा है जो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 9 इंजन कंज्यूम 24 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल वेन ईच आर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ठीक है, हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8 इंजन
इज रनिंग 13 आवर्स अ डे। इट इज गिवेन डेट थ्री इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज फोर इंजन ऑफ लेटर टाइप। देखिए, तीन इंजन जो पहला टाइप वाला है जितना कंज्यूम करता है, उतना ही जो लेटर टाइप वाला है उसका चार गुना, सॉरी क्या है, तीन इंजन जो पहला वाला है जितना वो कंज्यूम करेगा कोल, उतना बाद वाला चार इंजन कंज्यूम करेगा। मतलब थ्री इंजन का जो कंजप्शन पावर होगा कोल का, वो चार इंजन का बराबर है। ठीक है, थ्री इंजन जो पहला वाला है उतना ही कंजप्शन पावर चार इंजन बाद वाला का बराबर है। यहाँ पर पहला वाला का E1 मान लिए, दूसरा वाला का E2 मान लिए, तो E1 अपॉन E2 क्या गया, 4/3। दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया, पहला इंजन का एफिशिएंसी क्या था, 4 का, दूसरा इंजन का एफिशिएंसी 3 का। क्या चीज़ का एफिशिएंसी है, कोल का कंजप्शन करने का। अब देखिए सिंपल ये फॉर्मूला बना लीजिए, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। M1 यहाँ पे तो आदमी ने क्या है, इंजन है, नो इंजन है, इंजन का एफिशिएंसी मान लो E1 कितना दिन काम किया, एक दिन ही काम किया, कितना घंटा किया, 8 घंटा, कितना कंजप्शन किया, 24 मेट्रिक टन काम, 24 इक्वल टू कितना इंजन है, 8 इंजन है, 8 इंजन। D2 एक दिन ही काम किया, कितना आवर, 13 आवर, कंजप्शन पूछ रहा है क्या होगा, सर यहाँ पे M2 8 इंटू क्या जाएगा, E2 मान लेते हैं, W2 कंजप्शन है, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू E1 का वैल्यू 4 इंटू 8 अपॉन 24 इक्वल टू 8 इंटू E2 का वैल्यू 3 इंटू 13 अपॉन W2 का वैल्यू निकालना है, 8 से 3 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स 4 से 2 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स, तो W2 इक्वल टू कितना आ गया, 26 मेट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी परसेंट वर्किंग 9 आवर पर डे, 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, ठीक है, द एडिशनल पर्सन वर्किंग 8 आवर्स पर डे रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए एक चौथाई काम हो चुका, पहले से काम था मान लीजिए टोटल वर्क था फोर, काम कितना हो गया, एक काम हो गया, एक काम डन, रिमेनिंग कितना बच गया, तीन काम और करना है। ठीक है, आदमी कितना था पहले से, 400, 9 घंटा काम किया है ना, 9 आवर पर डे, कितना दिन तक, 10 दिन तक काम कितना किया, एक। अब क्या है, कितना आदमी और चाहिए, ठीक है, कितना आदमी और रहेगा, 8 घंटा काम करेगा, 20 दिन में काम कंप्लीट होगा, काम करना है कितना, 3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे, 8 से 50 बार, 2 बार, 2 से 25 बार, 1 सिक्वल टू कितना आ गया, 75 इंटू 9, मतलब 9 5 45, 4 63 या 4 67, मतलब अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स रहेगा, नंबर ऑफ पर्सन रहेगा कितना रहेगा, 625। तो एडिशनल पर्सन कितना चाहिए, पहले से था कितना, 400, अब चाहिए कितना, 275। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।